आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सभी की फेवरेट एक ऐसी रेसिपी जिसे हमेशा रेस्टोरेंट में खाने के साथ सर्व किया जाता है और ये हमारे खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। ये है सिरके वाली प्याज। अब आप इसे बना सकते हैं घर में बहुत ही आसानी से। बिना कलर डाले आपकी जो सिरके वाली प्याज है वो वैसी ही बनेगी जैसी कि आप होटल्स और रेस्टोरेंट में खाते हैं, और इसे एक बार बनाकर आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। रेस्टोरेंट स्टाइल इस प्याज को बनाने के लिए हमें चाहिए बेबी अनियंस यानी कि छोटे साइज के प्याज। प्याज जितने छोटे होंगे उतनी ही उनमें मिठास होगी। अगर किसी कारणवश आपके पास छोटे प्याज नहीं है तो आप बड़े प्याज को टुकड़ों में काट कर भी इसे बना सकते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि छोटे प्याज ही हों। तो यहाँ मैंने इन प्याज को छील लिया है और पानी से धो लिया है। अब इन प्याज में ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ हमें कट लगाना है, एक इस तरह से और दूसरा इस तरह से क्रॉस लगाना है हमें। पूरा अलग अलग नहीं करना है, बस इस तरह से इसके ऊपर कट लगाएंगे, बस चार पीस दिखने लगे। सबको अलग अलग नहीं करना है, बस कट लगाना है जिससे जब हम इसका पानी बनाएं तो ये आसानी से इसके अंदर भर सके। इसी तरह से हम सभी प्याज में ऊपर कट लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ सारे ही प्याज को मैंने कट करके तैयार कर लिया है। अब लेंगे एक बाउल और इसमें मैं ले रही हूँ आधा कप विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका जो चाउमीन या चाइनीज फूड में यूज होता है। ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप चाहें तो दूसरे फ्लेवर का विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी। जितना आपने विनेगर लिया है उतना ही आपको डालना है इसमें पानी। अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चीनी। इससे सिरके वाली प्याज में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, हल्की सी मिठास आएगी। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। अब इसी के साथ इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए 1 तेज पत्ता, थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का, इसी के साथ 10-12 काली मिर्च, 4 लौंग और 7-8 हरी मिर्च। इनमें मैंने 20 से कट लगा दिया है। प्याज के साथ ही ये हरी मिर्च भी तैयार हो जाएंगी जो कि खाने में बहुत ही बढ़िया लगेंगी। अब ये मैंने लिया है 1 चुकंदर जिसे मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। इसे डालने से बिना कोई कलर डाले हमारे प्याज में बढ़िया सा कलर आएगा, तो आप इसे जरूर डालिए। इससे प्याज में अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही सुंदर कलर भी आएगा। अब सभी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स जिससे चीनी पूरी तरह से खुल जाए, और अब इसमें डालेंगे प्याज। प्याज अच्छे से इसमें डूब जाना चाहिए। अभी इसमें कलर आने में कम से कम 24 घंटे लगेंगे, तब तक इसे ढककर रख देंगे फ्रिज में। आपको मैं 24 घंटे बाद दिखाऊंगी। अब देखिए पूरे 24 घंटे हो गए हैं और मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। प्याज अच्छे से तैयार हो गया है, बहुत ही प्यारा कलर आया है इसमें और ये फ्लेवरफुल भी हो गया है। अब चाहे आप इसे लंच में खाएं, चाहे खाएं डिनर में, अब आपको रेस्टोरेंट वाले प्याज का मजा मिलेगा घर पर। विनेगर ओनियन में जो प्याज की स्मेल होती है वो निकल जाती है, तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। विनेगर अनियन खाने से आपके मुंह से अनियन की स्मेल नहीं आती, इसलिए इसे प्रेफर किया जाता है जब हम लंच करते हैं। इसे इस तरह से बनाकर आप किसी भी कांच की बोतल में भरकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। ये 20-25 दिन तक खराब नहीं होता, और जब प्याज खत्म हो जाए तो इसके पानी को फेंकिए मत, इसी में थोड़ा सा विनेगर और डाल दीजिए, फिर से दूसरे प्याज को इसमें डाल दीजिए, बस दोबारा फिर से आपका प्याज तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखा आपने, बनाना भी इसे कितना आसान है। आप इसे आसानी से घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं, फिर इसे रोटी पूड़ी पराठा दाल चावल किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।